नहीं उसने हमें ना मतलब पूरा वो अपॉइंटमेंट लेटर लाके दिया है श्री सीमेंट के नाम से, पूरा प्रूफ है हमारे पास में। उसने कहा है कि आपकी जॉब लग चुकी है, आपकी 29,000 पेमेंट है। जब गौरी की मदर हूँ, जो फ्रॉड हमारे साथ में हुआ है उस इंसान ने मतलब इतना ज़्यादा बच्चों को टॉर्चर कर दिया हमारे को कि मतलब पैसा भी ऐंठ लिया उसने सारा इन बच्चों से, और कोई भी हमारे पास में कोई उसका लीगल वो नहीं है कि बच्चों को उसने एग्ज़ाम दिलवाए भी हैं या नहीं दिलवाए। वो टोटल इन बच्चों का पैसा खा चुका है और खुद ही नाटक कर रहा है, वो खुद ही मतलब कुछ भी खा के हॉस्पिटल में एडमिट है। और उसकी वाइफ का कहना है कि हमने उसके साथ ऐसा कुछ कर दिया है। तो हम ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि बच्चों के साथ कार्रवाई हो, कि बच्चों के इंसाफ मिले। क्या बोलता था इनको काम पे लगाने के बाद? नहीं उसने हमें ना मतलब पूरा वो अपॉइंटमेंट लेटर लाके दिया है श्री सीमेंट के नाम से, पूरा प्रूफ है हमारे पास में। उसने कहा है कि आपकी जॉब लग चुकी है, आपकी 29,000 पेमेंट है। जब 2 महीने पेमेंट नहीं आई तब हमने उससे ना पूछताछ की, तो फिर उसने ये नाटक नहीं उसने बोला हो गई है तुम्हारी ऑनलाइन काम शुरू है तुम्हारा, जबकि बच्चे आज तक कभी ब्यावर नहीं गए। फर्जी मैसेज भिजवाए गए श्री सीमेंट के नाम से हमारे पास, वो सब हमारे पास मौजूद है। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि उस इंसान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लगभग कितने बच्चे हैं? लगभग 5 बच्चे हैं, जो 5 हमारे साथ है, 5 के साथ फ्रॉड हुआ है। आपका नाम? सीमा शर्मा। मेरा नाम गौरी शर्मा है। हमारे जो कोचिंग पढ़ाते थे हमारे, उनसे काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए, लेकिन उन्होंने अभी तक हमें ना तो उसकी कोई रसीद दी ना रजिस्ट्रेशन नंबर आज तक भी नहीं दिया है। किस चीज़ का? सीएमए का कोर्स कर रहे थे, उसका ट्रांजेक्शन था, उन्होंने आज तक हमें नहीं दिया। फीस ले ली हमसे, नकली रसीद दे दी, नकली रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया, नकली फर्जी मार्कशीट दे दी उन्होंने, आज तक नेट पर शो नहीं कराई। हमने जब उनसे पूछना चाहा तो बीमारी का बहाना लगाया, कभी हमारी माँ बीमार है, कभी हमारे पिताजी बीमार है, कभी हमारी वाइफ के साथ प्रॉब्लम हो रही है। कल हार थक करके मेरे पिताजी ने उनको फ़ोन किया कि आप आकर के बात करो, लेकिन वो बाहर से कुछ खा करके आए और हमारे घर में आकर के गिर गए। और गिरने के बाद में वो कहते हैं कि हाँ, उनकी वाइफ का कहना है कि जो किया है वो हम लोगों ने किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमारे आसपास के लोग, ये दीदी है, ये मेरे साथ पढ़ती है, इनके जो फादर है वो हमारे साथ मौजूद थे उस समय, उन्होंने खुद ने देखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और वो आज आपको पागल मना रहे हैं, किस तरह करके 2 से ज़्यादा हो गए हैं हमको। क्या जॉब दिलाने के? जॉब भी दिलवाने के, पढ़ाई भी करवाने के, इन सब के पैसे ले लिए, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं करा। कितना पैसे लिए? किसी से नौकरी के लिए 15,000 रुपये लिए, फीस के पैसे लिए और फॉर्म के पैसे अलग अलग लिए, ये सारे पैसे अलग अलग लिए उन्होंने। तो लगभग कितने का ट्रांजेक्शन? लगभग सबका अलग अलग है, किसी का 50 है, किसी का 70 है, किसी का 75 है, ऐसे करके ऐसे हम 5 हैं। 5 हैं फिलहाल, और इसके अलावा ये पहले भी ऐसे कई नाटक कर चुके हैं। तो आपने कहीं मुकदमा दर्ज किया है? हाँ, हमने आज यहाँ पे एसपी साहब के पास मुकदमा दर्ज कराया है। आपका नाम? गौरी शर्मा।